देखिए, इसके लिए तेजस्वी यादव जी से कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी खुद ही सक्षम है, बिहार की सरकार खुद ही सक्षम है, और पिछले लगभग 20 साल से नीतीश जी ने दिखाया है ना बिहार में 2005 के पहले किस तरह से समाज में तनाव होता था, सांप्रदायिक घटनाएं होती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, वैसी घटना छिटपुट अपवादों को छोड़ दीजिए तो बिल्कुल कहीं इस तरह की घटना हो रही है। तो सबकी चिंता हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई भी मीडिया में देखा है, ऐसे हमने सुना नहीं उनको बोलते हुए। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ठीक नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी जाति का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति रह सकता है। हमारा संविधान इस बात के लिए परमिट करता है। कोई व्यक्ति इस तरह से अगर बयान दे, बहुत ही आपत्तिजनक है, यह ठीक नहीं। झारखंड विधानसभा में राजद को 6 सीट मिली, उसको लेकर के देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे हैं। कह रहे हैं उनकी हैसियत ही क्या है, जो वो मांगेंगे वहीं पे। जिस तरीका से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पे भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है, उसको लेकर के भी खूब कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के 18 साल के शासनकाल में बताइए कितने दंगे हुए हैं। वहीं पे बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा नाराज़गी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, तो उनके गठबंधन का मामला है, आंतरिक मामला है, उससे मेरा क्या संबंध है उससे। लेकिन अब जहाँ कुछ है ही नहीं और वहाँ किसी भी गठबंधन में कोई सीट का दावा करे तो उसका क्या मतलब। हास्यास्पद स्थिति खुद ही लोग अपने को बना लेते हैं। प्रदीप सिंह है अररिया से सांसद, वो कह रहे हैं कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। क्योंकि हमने भी मीडिया में देखा है, ऐसे हमने सुना नहीं उनको बोलते हुए। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ठीक नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी जाति का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति रह सकता है। हमारा संविधान इस बात के लिए परमिट करता है। कोई व्यक्ति इस तरह से अगर बयान दे, बहुत ही आपत्तिजनक है, यह ठीक नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं गिरिराज सिंह के यात्रा पर और अररिया सांसद को लेकर के, अगर बिहार में अगर किसी तरीके का कुछ भी अगर दंगा फसाद हुआ तो नीतीश कुमार जिम्मेवार होंगे। देखिए, इसके लिए तेजस्वी यादव जी से कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी खुद ही सक्षम है, बिहार की सरकार खुद ही सक्षम है, और पिछले लगभग 20 साल से नीतीश जी ने दिखाया है ना बिहार में 2005 के पहले किस तरह से समाज में तनाव होता था, सांप्रदायिक घटनाएं होती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, वैसी घटना छिटपुट अपवादों को छोड़ दीजिए तो बिल्कुल कहीं इस तरह की घटना हो रही है। तो सबकी चिंता हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, चारों में चारों एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, गारंटी के साथ जीतेगा। अभी जाइएगा चुनाव? बिल्कुल जाएंगे, कल ही से जा रहे हैं। झारखंड भी जाइएगा? अब झारखंड के बारे में बाद में, लेकिन अभी बिहार में जो उपचुनाव है उसमें सभी जगह जाएंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा को कैसे देखते हैं? तो आपने सुना, प्रदीप कुमार को भी अच्छे से सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हिंदू कहने वाली बात है, इस अनुसार नहीं चलूगा, संविधान के अनुसार चल रहा और किसी भी जाति धर्म के लोग कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किए हैं उस पर भी खूब बरस रहे हैं और ईंट से ईंट बजाने वाली बात को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए, 18 साल के शासनकाल में सीएम नीतीश कुमार के कितने दंगे हुए हैं, 2000 के शासनकाल में कितना जो है दंगा हुआ करता था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।